Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. Welcome back to my channel. My name is Hammad Ashad and you are watching Learn English with Hammad. So, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे sentences की जो हम अपनी life में बोलते हैं कि किसी ना किसी ने तो मेरे pen चुराए हैं, किसी ना किसी ने तो information leak की है, किसी ना किसी ने कोई ना कोई तो मेरे कमरे में आया था. So, basically जब हम किसी person के बारे में बात करते हैं कि कोई ना कोई या किसी ना किसी ने, अगर if we are talking about any person, तो वहाँ पर हम use करते हैं someone or the other. Someone or the other. And guys, do not pronunciate like someone or the other. It will be wrong. Because the concept is कि जब भी आप का the के बाद आपका कोई भी word, जो पहला word है वो vowel आता है, जैसा कि o. O हमारा एक vowel है. तो अगर यहाँ पर vowel आता है तो हमें इसको pronunciate the नहीं करना होता है बल्कि the करना होता है. तो चलिए हम अब इस स्ट्रक्चर को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट एग्जांपल. अब जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई तो है, ठीक है, किसी ना किसी ने तो इंफॉर्मेशन लीक की है, ठीक है, जैसे हमारे बीच कोई था और किसी ना किसी ने तो या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लीक कर दी है, तो हम बोलेंगे समवन और द अदर has leaked the information. Someone or the other has leaked the information. ठीक है, अब for example जैसे कई लोग गद्दार होते हैं. अच्छा, हम गद्दार को क्या बोलते हैं? तो गद्दार के लिए हमारे पास एक word है, that is traitor. Traitor, T-R-A-I-T-E-R, traitor. ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी टीम में कोई गद्दार है, ट्रेटर है, वो किसी टीम में काम कर रहा है और उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर दी किसी अपने दुश्मनों को. ठीक है, तो मैं कहूँगा कि किसी ना किसी ने तो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की है. समवन और द अदर हैज लीक्ड द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जाम्पल, एंड दैट इज जैसे मैंने कहा किसी ना किसी ने तो मुझे बुलाया. ठीक है, किसी ना किसी ने तो मुझे बुलाया. Someone or the other called me. Someone or the other called me. अब मैं next example को समझाने से पहले मैं आपको एक reels के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ कि you must have watched this reels. बहुत ही पहले trends में थी कि क्या होता है कि वहाँ पर एक girl होती है और वो अपनी मम्मी से कहती है कि कोई तो होएगा, ठीक है, कोई तो होएगा जो मुझसे सब्जियां नहीं बनवाएगा, राइट. सो उसमें इस तरह से कहती है, तो उसी सेंटेंसेस को मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में. देयर वुड बी समवन और द अदर, कोई तो होगा, हु वुड नॉट फोर्स मी टू कुक वेजिटेबल्स. देयर वुड बी समवन हु वुड नॉट फोर्स मी टू कुक द वेजिटेबल्स. अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट. So thank you guys, that's it for today. आज के लिए इतना ही था. और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो आप as a reward you can like my videos, subscribe my channels and yes, do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.